नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को मिला झटका। राज्य के 18 जिलों में लगेंगे 300 वाटर एटीएम। बिहार में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए इस दिन से शुरू हो रहा एडमिशन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चखेंगे बिहार के इस फल का स्वाद। पंजाब से बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगी राजस्थान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीजीपीएससी में 500 पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा हॉस्टल वार्डन के 500 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। आज है वट सावित्री पूजा। आज यानी कि 19 मई को सुहागिनों के द्वारा की जाने वाली पूजा वट सावित्री पूजा है। बता दें कि आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। मालूम हो कि आज सोमवती अमावस्या भी है। आज के दिन महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसके तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मदेव और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। वहीं वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूजा से सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपनी चतुराई से यमराज को मात देकर सत्यवान के प्राण बचाए थे। अगर पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ज्योतिषियों के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से शुरू हो रहा है, जो पूरे दिन रहेगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दुखन राम के बारे में। दुखन राम एक भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ, अकादमिक विधायक और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के एक अनुसंगी संगठन कार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवारी पर सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और 1961 में अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए 1962 में पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पटना में एक पब्लिक स्कूल डॉक्टर दुखन राम डीएवी पब्लिक स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चखेंगे बिहार के इस फल का स्वाद। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची न केवल बिहार और देश बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर है। बता दें कि अब इस फल का स्वाद देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी ले सकेंगे। मालूम हो कि उनके लिए शाही लीची को उनके पास तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DDC आशुतोष द्विवेदी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची को दिल्ली जून के पहले सप्ताह में भेजा जाएगा। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लीची को दिल्ली भेजने के लिए सारी तैयारियां और प्लानिंग शुरू कर दी गई है। इसकी व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी सहायक निदेशक उद्यान को दी गई है। इसके साथ ही लीची के चयन के साथ पैकिंग के लिए निजी एजेंसी को जवाबदेही दी गई है। जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को मिला झटका। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के द्वारा बिहार में जातीय गणना को लेकर राज्य सरकार के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार यानी कि नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट के बाद एक बड़ा झटका दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई की जाएगी तो फिर हम इस मामले को लेकर नोटिस क्यों जारी करें। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करती है तो 14 जुलाई इस मामले पर हमारे द्वारा सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इस दौरान कोर्ट को बिहार सरकार के वकील के द्वारा बताया गया कि राज्य में 80% गन्ना का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए इस पर लगे रोक को हटा दिया जाए। जिस पर कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हमें देखना है कि यह सर्वे है या जनगणना, सरकार डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला सुनाया जाएगा।
राज्य के 18 जिलों में लगेंगी 300 वाटर एटीएम। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां गर्मी में पानी का स्तर नीचे चला जाता है और साथ ही कई जिले ऐसे भी हैं जहां बारिश के दौरान पेयजल की समस्या हो जाती है। ऐसे में पानी की समस्या को दूर करने के लिए पानी के टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति के कारण पानी का टैंकर नहीं पहुँच पाता। इसको देखते हुए PHED के द्वारा राज्य के सिवान, मुजफ्फरपुर, कटिहार सहित 18 जिलों में वाटर एटीएम का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है, जिससे 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बता दें कि 18 जिलों में 30 करोड़ रुपए की लागत से कुल 300 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे, जिसके पहले चरण में 5 करोड़ रुपए की लागत से 50 वाटर एटीएम खरीदे जाने की लक्ष्य रखा गया है और फिर दूसरे चरण में 100 एटीएम खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में PHED मंत्री ललित कुमार यादव का कहना है कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए टैंकरों के साथ ही एटीएम से भी पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में एटीएम से फ्री में पेयजल उपलब्ध होगा। पैक्स में वोटर बनने के लिए अब करना होगा यह काम। सहकारिता विभाग के द्वारा राज्य में पैक्स में वोटर बनने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब पैक्स में वोटर बनने की चाह रखने वाले किसानों को ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अब वे ऑनलाइन आवेदन कर पैक्स के वोटर बन सकेंगे। बता दें कि वोटरों की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। वहीं अगर पैक्स अध्यक्ष के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के आवेदन को रद्द करते हैं तो अब उन्हें इसका कारण भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने आवेदन को रद्द क्यों किया है। वहीं अगर पैक्स अध्यक्ष के द्वारा आवेदन रद्द करने का कारण नहीं बताया जाता है तो आवेदन को रद्द नहीं माना जाएगा। वहीं अब वोटरों के पास आवेदन रद्द होने के बाद सहकारिता कोर्ट जाने का भी अधिकार होगा, जो कि पहले नहीं था। बता दें कि निर्णय सहकारिता मंत्री की बैठक में लिया गया है, जिसमें सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी, रजिस्ट्रार राजेश मीना समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए इस दिन से शुरू हो रहा है एडमिशन। अगर आप भी बिहार में 4 साल के ग्रेजुएशन में नाम लिखवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के सभी कॉलेजों में ग्रेजुएशन सत्र 2023 से 27 के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत 20 मई से शुरू हो जाएगी और 30 जून तक किसी भी हाल में सभी कॉलेजों को नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। फिर 4 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत कर देनी है। इसके लिए राजभवन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया है और साथ ही एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि 8 सेमेस्टर में पूरा होने वाला इस ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 160 क्रेडिट तय किए गए हैं, यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा। इसके साथ ही छात्रों को अंतिम वर्ष के 7वें सेमेस्टर में पहुंचने तक 7.5 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे वाट थाई मॉनेस्ट्री के बारे में। वाट थाई मॉनेस्ट्री बोधगया का एक मुख्य स्थल है। यह मॉनेस्ट्री थाई वास्तुकला में बनाई गई और बहुत सुंदर लगती है। इस मॉनेस्ट्री के बाहर आपको ड्रैगन की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। मॉनेस्ट्री के सामने सुंदर बगीचा बनाया गया है। मॉनेस्ट्री के अंदर आपको बुद्ध भगवान जी की बहुत ही सुंदर धातु की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। मॉनेस्ट्री के पीछे तरफ तालाब देखने के लिए मिलते हैं। बोधगया में और भी बहुत सारी मॉनेस्ट्री और बौद्ध मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको भूटान मॉनेस्ट्री, सिक्किम मंदिर, जापानीज मंदिर, कंबोडिया मॉनेस्ट्री, चीनी मॉनेस्ट्री, थेपर महावीर और भी बहुत सारी मॉनेस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जो बहुत सुंदर है और आप यहां पर आकर शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। बिहार में 4.80 लाख बिजली कनेक्शन मिलेंगे फ्री। कृषि रोड मैप में राज्य में 4.80 लाख विद्युत पंप सेटों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 2563 KVA का 31,078 ट्रांसफार्मर का भी वितरण किया जाएगा और 12,430 सर्किट किलोमीटर डेडिकेटेड KVA फीडर तथा 22,717 सर्किट किलोमीटर LT लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। इन सबके अलावा मौजूदा 1,354 डेडिकेटेड फीडरों में सोलराइजेशन के कार्य भी किए जाएंगे। बता दें कि इन सभी के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से 61,090.75 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय निर्धारित किया गया है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू। राज्य के सभी एयरपोर्ट से जिले की कनेक्टिविटी को बनाया जा सके, इसके लिए भारतमाला एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के तहत मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के द्वारा करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य गया से शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 170 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे जमीन से करीब 7 मीटर की ऊंचाई पर गया से लेकर दरभंगा तक बनाया जा रहा है। बता दें कि इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से गया से दरभंगा की दूरी 261 किलोमीटर से घटकर 170 किलोमीटर रह जाएगी और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर दूरी सामान्य सड़क की अपेक्षा 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस तरह गया, पटना और दरभंगा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी प्रॉपर हो जाएगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जनकपुर नेपाल तक किया जाएगा। बिहार सरकार ने मेडिकल छात्रों को दी बड़ी राहत।
अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो इस वर्ष मेडिकल शिक्षा के लिए सत्र में नामांकन लेने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि सरकार की ओर से नए सत्र 2023-24 से मेडिकल शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि राज्य के सभी 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों व डीम्ड विश्वविद्यालयों की आधी सहित यानी कि 585 सीटों पर नामांकन लेने वाले छात्रों का नामांकन व शैक्षणिक शुल्क उतना ही लगेगा जितना शुल्क सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लिया जाता है। यानी कि इन सीटों पर नामांकन लेने वाले छात्रों को 13 लाख रुपए सालाना देने के बजाय केवल 40,800 रुपए देने होंगे और सालाना शुल्क के रूप में 22,700 रुपए देने होंगे। मालूम हो कि इसके साथ ही सरकार के द्वारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ओपन सीट का भी फीस निर्धारित कर दिया गया है। जिला स्तर पर होगा नल जल योजनाओं का हस्तांतरण। राज्य के 58,000 ग्रामीण वार्डों में पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित नल जल योजनाओं को जिला स्तर पर PHED के कार्यपालक अभियंता और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसको लेकर बहुत जल्द ही दोनों पदाधिकारियों की ओर से संयुक्त रूप से निर्देश जारी किया जाएगा और हर वार्ड के निरीक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा और एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही जल्द इसको लेकर जिलों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि तैयार किए गए रिपोर्ट में जानकारी उपलब्ध रहेगी कि नल जल योजना का किस वार्ड में क्या स्थिति है। इसके बाद ही PHED को योजना का हस्तांतरण किया जाएगा जो कि अगले माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ौनी गुवाहाटी पाइपलाइन से 6 जिलों के उद्योगों को मिलेगी प्राकृतिक गैस। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना के तहत अप्रैल महीने में 282 किलोमीटर में फैली बड़ौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना का निर्माण कार्य 1,260 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। बता दें केंद्र सरकार के द्वारा यह परियोजना इसलिए शुरू की गई है ताकि उद्योग को स्वच्छ प्राकृतिक गैस, वाहनों के लिए CNG और घरों के लिए PNG आसान तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़ौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के पूरा होने से अब बिहार के 6 जिलों के उद्योगों को प्राकृतिक गैस मिल सकेगी। इसके साथ ही इन 6 जिलों के 40 लाख आबादी को भी पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस और CNG गैस मिलेंगी। बता दें कि जिन 6 जिलों को इस परियोजना से लाभ मिलने वाला है उनमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। उत्तर में ठंडा तो दक्षिण में गर्म, ऐसा होगा बिहार का मौसम। बिहार में मौसम के अचानक करवट लेने से कई शहरों का पारा लुढ़क गया। अगले 4 दिन तक मौसम विभाग ने कुछ ऐसा ही हाल रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके हिसाब से अगले 4 दिन तक उत्तर बिहार में बारिश की संभावना बरकरार है। हालांकि दक्षिण बिहार बारिश के तरसेगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में शुक्रवार से रविवार तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बिहार में रविवार को बारिश की संभावना जताई गई है। रविवार को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में बारिश हो सकती है। तापमान की बात करें तो ज्यादातर जिलों में ये 38 डिग्री के आसपास ही रहेगा। पटना समेत कुछ जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सीएम नीतीश पर सुशील मोदी ने साधा निशाना। बीते दिन यानी कि गुरुवार को जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह BJP की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना में स्थित BJP कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुशील मोदी और विजय सिन्हा सहित कई नेताओं के द्वारा किया गया। बता दें कि इस दौरान सुशील कुमार मोदी के द्वारा सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जिस दिन जेडीयू बीजेपी से अलग हुई थी उसी दिन से जेडीयू टूटने लगी थी, अब जेडीयू को भगवान भी नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार की ओर से कुछ अच्छा काम किया गया है तो उसका श्रेय RCP सिंह को जाता है। नीतीश कुमार की फितरत है कि वह सहयोगियों को धोखा दे, उसी तरह RCP सिंह को भी धोखा दिया। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं सम्राट चौधरी के द्वारा सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार के अतरी में दांत है, अब RCP सिंह के साथ मिलकर उनके दांत का इलाज किया जाएगा। सीएम नीतीश आज पहुंचेंगे दरभंगा, करेंगे रिंग बांध का लोकार्पण। जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी कि 19 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा जाने वाले हैं, जहां वह रिंग बांध का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सुबह 11 बजे कोठराम दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में कमला बलान बाया एवं दाया तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा शीर्ष पर पक्कीकरण कार्य फेज 2 का कार्यारंभ करेंगे। बता दें कि इस रिंग बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग की ओर से पूरा किया गया है। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट के चारों तरफ दरभंगा महाराज के समय में बने 11.84 किलोमीटर लंबी रिंग के पुनर्स्थापन और शीर्ष पर PC सड़क के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे अब चारों तरफ निरीक्षण करने में सुविधा मिलेगी। बता दें कि इस बांध के निर्माण हो जाने से अब दरभंगा एयरपोर्ट में बाढ़ का पानी नहीं घुसेगा। दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर साधा निशाना।
बीते दिन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। वहीं उन्होंने पटना पहुंचने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बिहार के महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिलकर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और साथ ही जनता को इस बात से अवगत भी कराया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने 30 से 32 साल की सरकार में क्या किया है। वह बताया कि उन्होंने अपनी सरकार में दलित को ब्लॉक वाइज पंचायत वाइज कितनी नौकरियां दी हैं, जिला वाइज दलित महादलित पिछड़े अति पिछड़ों को कितनी नौकरियां दी हैं। जापान में परमाणु बम गिरा लेकिन फिर भी 10 साल में जापान दोबारा खड़ा हो गया, लेकिन यहां 32 साल में आपने कितनी नौकरियां दी, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी। बिहार में राज करते 33 साल और चुनाव में जाएंगे तो 35 साल, अब इतने समय में क्या किए। नीतीश तेजस्वी सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में जाएंगे कर्नाटक। बीते दिन कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि अब इनका शपथ ग्रहण 20 मई को होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की ओर से विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम नीतीश के द्वारा कहा गया था कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वह जरूर जाएंगे। इसके साथ ही बीते बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के द्वारा भी इशारा किया गया था कि शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। पंजाब से बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगी राजस्थान। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 66वां मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाना है। इस डबल हेडर मुकाबले में पंजाब से आरआर अपनी हार का बदला लेना चाहेगी, जिसकी वजह से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेंगी। पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स दोनों आईपीएल 2023 में दूसरी बार आमना सामना करने वाली है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच पीवीकेएस ने बाजी मारी थी। हालांकि पंजाब ने आरआर के उसके घर में मात दी थी, वहीं अब आरआर पंजाब को उसके घर में हराकर अपना बदला लेना चाहती है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। हालांकि दोनों ही टीमें प्लेऑफ तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन फिर भी दोनों लीग के आखिरी मुकाबले को जीत के साथ खत्म करना चाहेगी। बता दें कि आरआर के टीम का नेट रन रेट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से टीम पंजाब के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर और मुंबई अपना आखिरी मैच गंवा दे। हालांकि उसके बाद आरआर प्लेऑफ में जगह बना सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी 1999 में फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर भारतीय इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जोड़ने वाले नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में आज के दिन ही हुआ था। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 1913 में हुआ। कवि, रंगमंचकर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता ग्रीस कर्नाड का जन्म 1938 में हुआ। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन 1904 में हुआ। हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1979 में हुआ। भारतीय नाटककार और रंगमंचकर्मी विजय तेंदुलकर का निधन 2008 को हुआ। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन 1996 में हुआ। बालकर में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अमृत महोत्सव के द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया है और लिखा है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए ऑफिशियल ऐप स्टोर के अलावा किसी अन्य सोर्स से आई एपीके फाइल्स को डाउनलोड न करें। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग करें, इंटरनेट सर्च पर आए झूठे विज्ञापनों पर विश्वास न करें। इंस्टाग्राम में आया ये नया फीचर। इंस्टाग्राम यूजर्स को हाल ही में कंपनी ने कुछ नए फीचर दिए हैं, जिससे विशेषकर इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर को इनसे काफी मदद मिलने वाली है। दरअसल अब आप किसी रील, पोस्ट या वीडियो में GIF के जरिए भी अपना रिएक्शन दे सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर GIF के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दूसरा फीचर यह है कि अब फॉलोवर्स अपने फेवरेट क्रिएटर को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए कंपनी एक नया फीचर ऐप पर जल्द लोगों को देने वाली है। इसके अलावा जल्द यूजर्स को अपनी रील को एडिट करने के लिए ऐप पर एक नया ऑप्शन मिलेगा। इसकी मदद से क्रिएटर्स अपनी रील में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि कई चीजें ऐड और एडिट एक ही जगह से कर पाएंगे। फिलहाल भारत में GIF कमेंटिंग फीचर लाइव हो गया है। अगर आपको अभी तक ये फीचर नहीं मिला है तो ऐप को एक बार अपडेट कर लें। चिराग पासवान ने बताया बिहार और बिहारी क्यों होते हैं बदनाम। लोजपा रामविलास के सांसद चिराग पासवान के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बताया गया कि आखिर बिहार और बिहारी क्यों बदनाम होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की करतूत के कारण बिहार और बिहारी बदनाम हो रहे हैं। जो सरकार सुरक्षा के लिए खरीदे गए ड्रोन का सुरक्षा नहीं रख सकती तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कभी 60 लाख का ड्रोन गायब हो जाता है तो कभी हवा से पुल गिरता है, चूहा बांध को कुतर देता है। शराबबंदी कानून के तहत जो काम किया जा रहा है सबके सब फेल है। सरकार को से कुछ बोलकर सवालों से बचना चाहती है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा और विदेश घूमने और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूक्रेन युद्ध में फंसे बिहारी स्टूडेंट्स की कहानी। इन दिनों ये किताब जिसका नाम ऑपरेशन गंगा है वह काफी चर्चा में बनी हुई है। बता दें कि यह किताब मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अफसर तरुण पिथोड़े के द्वारा लिखी गई है, जिसमें यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय बच्चों की संघर्ष की कहानी है। बता दें कि इस पुस्तक में बिहार के भी उस 3 बच्चों का जिक्र किया गया है जो यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंस गए थे, जिसे सकुशल बिहार लाया गया। बता दें कि यूक्रेन युद्ध में फंसे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जा सके इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया था। इस किताब में ऑपरेशन गंगा से जुड़ी सभी बातों का जिक्र किया गया है कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से प्लान हुआ, कैसे इसके विभिन्न चरण आरंभ हुए समेत कई चीजें। वहीं बिहारी बच्चों के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि युद्ध में ये बच्चे काफी विषम परिस्थिति में वहां थे। बता दें कि उन्होंने बिहार के जिन बच्चों का जिक्र किया है उनमें समस्तीपुर जिला के तलसिंहसराय के सरदारगंज के रहने वाली तबस्सुम परवीन, पटना के महेश नगर के रहने वाले महफूज आलम और उनके चचेरे भाई सफदर अली और उनके मुजफ्फरपुर के दोस्तों विवेक ठाकुर व तस्लीम के नाम शामिल हैं। बीते दिन मदर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मदर पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है योगेंद्र रजक, मंतोष कुमार, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, अतीक खान, रंजीत मिश्रा, विकास दास, मंजय कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनिल यादव, अर्चना भारती, मोहम्मद सकीर हुसैन, समर सिंह, राजकिशोर, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल 2023 में अब तक हुए मैच को देखते हुए आपके अनुसार कौन सी टीम आईपीएल ट्रॉफी की सबसे प्रबल दावेदार है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़, और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।